Hello student, today we are going to discuss of chapter 10th class magnetic effect of electric current. तो सबसे पहला टॉपिक मैग्नेट. मैग्नेट क्या चीज़ है? जो आप बचपन में मैग्नेट जो स्पीकर से निकाल के खेलते थे ना, जिस मैग्नेट से, वो एक्चुअल में है क्या? वो एक्चुअल में एक स्टोन है. वो एक्चुअल में एक स्टोन है और वो स्टोन सबसे पहले डिस्कवर कहाँ से किया गया? मैग्नेशिया शहर में, मैग्नेशिया, ये मैग्नेशिया जगह का नाम है तुर्की में. ये मैग्नेशिया जगह है तुर्की में, ठीक है. सबसे पहले उस स्टोन को डिस्कवर किया गया था मैग्नेशिया में, जो कि तुर्की में है. और ये मैग्नेशिया से ही मैग्नेट वर्ड आया है. वो जो स्टोन है, मतलब जिसको हम मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट एक्चुअल में एक स्टोन ही है. और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी खासियत क्या है? खासियत यही है, वो आयरन को, बाल्ट निकल जैसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है. आपने देखा ना, जब हम आयरन के पास या कोई कोबाल्ट या निकल के पास उसको पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेती है. तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट आर दोज मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है. और ETC मतलब ये वो मटेरियल्स हैं जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना. जितने भी मैग्नेट हैं वो सारी स्टोन हैं. अब उन स्टोन को यूज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने यूज के अकॉर्डिंग उनकी हमने शेप बनाई. जैसे कि हमने मैग्नेट से कौन सी शेप बनाई, शेप क्या क्या बनाई, जैसे कि हमने बार मैग्नेट बनाई, ठीक है, बार मैग्नेट. उसके बाद हमने क्या बनाई, हॉर्स शू मैग्नेट या फिर सर्कुलर मैग्नेट, ठीक है. इन सभी के अलग अलग यूज है. मतलब उस स्टोन को काट के हमने बार मैग्नेट बना ली, हॉर्स शू मैग्नेट बना ली, सर्कुलर मैग्नेट बना ली. अब बार मैग्नेट क्या है? ऐसी मैग्नेट जिसका स्ट्रक्चर या जिसकी शेप एक रोड की तरह हो. जैसे कि ये जो मैग्नेट है मेरे पास फिलहाल, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है. ये किसकी तरह है? एक रोड की तरह, ठीक है ना. इसकी जो शेप है वो कैसी है? एक रोड की तरह, रोड की तरह शेप है. तो बार मैग्नेट कौन सी होगी? जिसकी शेप रोड लाइक हो, ठीक है ना, रोड लाइक, नॉर्थ और साउथ. इस शेप में जो मैग्नेट मिलेगी उसको हम बोलेंगे बार मैग्नेट. हॉर्स शू मैग्नेट किस तरीके से होंगी? इस तरीके से, ये आपकी हॉर्स शू मैग्नेट. सर्कुलर मैग्नेट क्या होंगी? इस तरीके से. सर्कुलर मैग्नेट जो कि हम स्पीकर वगैरह में यूज करते हैं, हमारे जो स्पीकर होते हैं ना वॉइस वाले, उसमें सर्कुलर मैग्नेट यूज की जाती है, ठीक है. हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. अब बार मैग्नेट के पोल होते हैं, ये जो है, ये भी इसका पोल है, ये भी, इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट पोल, ठीक है, मैग्नेट पोल. बार मैग्नेट क्या होगी? रोड लाइक स्ट्रक्चर, ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ रोड. जो रोड की शेप में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बार मैग्नेट, ठीक है. बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर हम इस चैप्टर में. तो बार मैग्नेट क्या है? ऐसी मैग्नेट जिसकी शेप रोड की तरह है, ठीक है ना. अब इस मैग्नेट के दोनों सिरे, इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल, ठीक है. ये मैग्नेट के पोल हैं, मैग्नेट पोल. अब इन मैग्नेट पोल पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है. हमने देखा ना कि मैग्नेट क्या करती है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है या फिर रिपेल कर लेती है. वीडियो पॉज करके इतना आप उतार सकते हो. उसके बाद हम मैग्नेटिक पोल पढ़ेंगे, मैग्नेट पोल. तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट मटेरियल सी है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करती है. अब मैग्नेट पोल क्या है? ये एक बार मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट, इनके क्या होते हैं? एंड्स को हम क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है.
इनको हम क्या बोलेंगे, पोल। मैग्नेटिक पोल आर द एंड्स एंड्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर वेयर मैग्नेटिक पावर या वेयर पावर ऑफ अट्रैक्शन वेयर पावर ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। पावर ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे मैक्सिमम होती है, इसका मतलब क्या है, जो बार मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे लेके आओगे ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आओगे तो एकदम से अट्रैक्ट कर लेगी, बीच में लेके आओगे तो बिल्कुल धीरे अट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके से इसके सिरों पे, इसके एंड्स पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो वो उसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, एकदम से अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो धीरे अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो एंड्स, ये जो पोल है, पोल क्या है, एंड्स, सिरे, मैग्नेट के दोनों साइड के जो सिरे हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल, जहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होती है, मैग्नेटिक पोल पे, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या खासियत है इसकी, ठीक है ना। तो पहली खासियत हमने सबसे पहले डेफिनेशन से ही पढ़ी थी कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट ऐसा मटेरियल्स है जो आयरन को, बाल्टी निकल को अट्रैक्ट करता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि ये आयरन को, बाल्ट निकल जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब एक बार मैग्नेट को, जब एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली लटका देते हैं, मान लो हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इस बार मैग्नेट को मैंने बीच में से एक धागा बांधा और यहाँ पे छत पे मैंने लटका दिया और फ्रीली इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसके जो एंड्स हैं, एक एंड्स तो नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंग हो जाएगा, एक साउथ डायरेक्शन में अलाइंग हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, कि जब एक बार मैग्नेट को, जब एक बार मैग्नेट को, जब हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली लटका देते हैं, ठीक है ना, एक बार मैग्नेट को फ्रीली लटका देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंग करती है, अलाइंग मीन्स ठहरती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। तो इस खासियत को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, व्हेन ए बार मैग्नेट, व्हेन ए बार मैग्नेट, व्हेन ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट सस्पेंडेड, सस्पेंडेड फ्रीली, सस्पेंडेड फ्रीली, इट ऑलवेज, ऑलवेज अलाइंग, अलाइंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंग करेगी। ये खासियत है, पहली पहली खासियत क्या थी, अट्रैक्टिव नेचर, ये आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट निकल जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, जब इसको फ्रीली एक धागे से फ्रीली लटका देंगे तो अपने आप ही ठहर जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक पोल तो नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरेगा और एक पोल इसका क्या है, साउथ डायरेक्शन में। इसी के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कंपास के अंदर, कंपास के अंदर, कंपास के अंदर क्या होता है, कंपास के अंदर जो एक नीडल होती है आपकी, जो नीडल होती है वो खुद होती है एक मैग्नेट, ठीक है ना, एक खुद बार मैग्नेट, बार मैग्नेट होती है। अब वो बार मैग्नेट क्या होती है, फ्रीली एक पॉइंट पे रखी जाती है, फ्रीली घूम सकती है। अब जब कंपास को कहीं पे रखेंगे तो वो फ्रीली क्या है, अपने आप घूम के उसका एक पोल तो नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा, एक पोल किस में आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा।
तो इससे हमें क्या है डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है, तो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट हमेशा अलाइंग करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे कि ये कंपास है, कंपास के अंदर ये जो है नीडल आपकी ये वाला इस साइड वाली नॉर्थ बताएगी, ये साउथ। जब भी हम इसको रखेंगे तो जहाँ भी ये ठहरेगी इसका मतलब क्या है, एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरेगी, एक आपकी साउथ डायरेक्शन में। ये जो मैग्नेट ये नीडल है, ये नीडल खुद एक मैग्नेट, बार मैग्नेट को काट के बनाया गया। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ करते हैं हम, कंपास के अंदर। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, इंडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, इंडक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है, अगर एक बार मैग्नेट के पास हम आयरन, कोबाल्ट या निकल को कुछ दिन के लिए रख दें, मैग्नेट के पास हमने क्या किया, एक मैग्नेट है और मैग्नेट के पास हमने एक आयरन नेल्स रख दी 7-8 दिन के लिए, थोड़े दिन बाद देखेंगे कि वो आयरन भी मैग्नेट बन जाती है, आयरन मैग्नेट बन जाती है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है आयरन में। अब जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आयरन में आ जाएंगी, इसका मतलब क्या है, वो आयरन नेल्स मैग्नेटाइज हो गई, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इन नेचर। अगर एक बार मैग्नेट के पास हम आयरन की नेल्स रख देंगे कुछ दिन के लिए, तो आयरन भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई उसमें। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, इंडक्टिव इन नेचर। उसके बाद आपका आएगी फोर्थ प्रॉपर्टी, पोल एग्जिस्ट इन पेयर, पोल हमेशा पेयर में होंगे हमेशा। अब हमारे पास बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, हमने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में पढ़ा ना कि एक बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाओगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंग करेगी। अब जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो मैग्नेट का कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में अलाइंग करेगा वो कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पोल एग्जिस्ट इन पेयर, बार मैग्नेट के हैं अंदर हमेशा पोल जोड़े में पेयर्स में होंगे, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों मिलेंगे। अब इसको अगर आप बीच में से तोड़ दोगे, अगर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने बीच में से तोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, अब इसको यहाँ से हाफ कर दिया मैंने ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ पोल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसके पूरे के अंदर नॉर्थ पोल है, इसके अंदर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, इसके अंदर साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। इसका मतलब यही है कि पेयर में होंगे, आप मैग्नेट को कितनी बार तोड़ लो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको मैं तोड़ दूंगा, इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक इस तरीके से और एक मैंने तोड़ दिया। अब ये एंड्स पे साउथ, इसके एंड्स पे नॉर्थ, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अपोजिट साउथ, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा पोल आपको पेयर्स में मिलेंगे, नॉर्थ के साथ साउथ मिलेगा, साउथ के साथ नॉर्थ मिलेगा। अगर आप बार मैग्नेट को कितनी ही बार तोड़ते जाओ हमेशा दो पोल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब है पोल एग्जिट इन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। लाइक पोल मतलब सेम, जैसे लाइक पोल रिपेल इच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि लाइक पोल रिपेल करेंगे एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और इसके पास मैंने एक इस तरीके से दूसरी मैग्नेट कर रख दी, तो ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों क्या होंगी, रिपेल होंगी, एक दूसरे को दूर करेंगी। रिपेल मतलब दूर करना, अगर मैंने एक मैग्नेट यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल रख दिया और इसका मैंने साउथ पोल कर दिया तो क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो लाइक पोल रिपेल इच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी
तो हम यहाँ पे पांच ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी थी अट्रैक्टिव इन नेचर, कि मैग्नेट जो है आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट करती है। दूसरी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक बार मैग्नेट को फ्रीली लटका दोगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंग करेगी, ठहरेगी। इसी प्रॉपर्टी को देखते, इसी ही खासियत को देखते हुए हमने क्या किया, इसका यूज कंपास में किया। कंपास की नीडल जो खुद है वो बार मैग्नेट होती है, फ्रीली घूमती रहती है, कहीं भी रख दोगे वो नीडल कहाँ रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। तो जिस साइड नॉर्थ पोल, जिस साइड आपका नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। इंडक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है कि एक मैग्नेट के पास अगर हम आयरन या कोबाल्ट मटेरियल रख देंगे वो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब आ जाएंगी किसी ऑब्जेक्ट में तो उसको हम, या किसी मटेरियल्स में, तो उसको क्या कहेंगे कि मैग्नेटाइज हो गया। डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चले जाना। जब भी वर्ड सुनो मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, और डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या है, उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली गई। उसके बाद पोल एग्जिस्ट इन पेयर, मैग्नेट को कितनी ही बार मैग्नेट को कितनी ही बार आप तोड़ लो, हमेशा पोल आपको पेयर्स में मिलेंगे। लाइक पोल रिपेल इच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेट क्या है, जो आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट करती है, उसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, और मैग्नेट वर्ड आया कहाँ से, मैग्नेशिया से, जो कि मैग्नेशिया तुर्की में एक जगह है। वहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्टोन मिला और उस स्टोन की खासियत क्या देखी गई, उसकी प्रॉपर्टी की आयरन वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो उसका नाम हमने दिया बाद में मैग्नेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का मतलब होता है एरिया, एरिया या फिर मैं कहूँ स्पेस, ठीक है, एरिया या स्पेस। किसके चारों तरफ, एक मैग्नेट के चारों तरफ। हम क्या प्रैक्टिकल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। अब क्या है, मान लो हमने यहाँ पे एक आयरन की ऑब्जेक्ट रख दी, अब क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा दूर लेके गए फिर क्या होगी, अट्रैक्ट। थोड़ा और दूर लेके चले गए फिर अट्रैक्ट हो जाएगी। अब थोड़ा दूर और लेके गए, अब अट्रैक्ट नहीं हो रही। हम ऐसा करते थे ना बचपन में कि हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी, अट्रैक्ट होगी, थोड़ा दूर लेके चले गए वहीं पे रखी है। इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेट का इफेक्ट कहाँ तक है, यहाँ तक। इसी तरीके से यहाँ तक तो अट्रैक्ट हो रही है, यहाँ तक अट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके से पूरा सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रखी है तो ये अट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे रख रही है तो अट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे रखी है तो अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो ये क्या है, इस मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसके अंदर हम इस मैग्नेट का इफेक्ट महसूस कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। द एरिया अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया, अ स्पेस अराउंड मैग्नेट, इन विच, जिसके अंदर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसके अंदर इसका प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हर एक मैग्नेट की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। बड़ी मैग्नेट है तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ज़्यादा एरिया मिलेगा उसका। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया या स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसके अंदर इसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया, इज द एरिया या फिर स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसके अंदर इसका इफेक्ट हम
महसूस कर सकते हैं। अब मैग्नेट के चारों तरफ कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो वो अट्रैक्ट कर लेगी, थोड़ा दूर लेके जाओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगी। जहाँ तक अट्रैक्ट करती है या फिर जहाँ तक रिपेल करती है वो उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या होगी, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसके अंदर इसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब ऐसा है कि मैग्नेट के चारों तरफ कुछ ना कुछ लाइन होगी, पर वो लाइन है क्या, वो लाइन हमारी सोची समझी कुछ इमेजनरी कर्व है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ये इमेजनरी कर्व होती हैं। ठीक है ना, किसके चारों तरफ, मैग्नेट के चारों तरफ, हमें दिखती नहीं है मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है, पर क्या है ये, इमेजनरी सोची जाती है, सोची समझी जाती है। तो अगर हमें किसी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है कि वो कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ एंटर कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी अगर मैग्नेट के अंदर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है तो क्या करेंगे, उसके पास हम कंपास का नॉर्थ पोल रख देंगे। अब नॉर्थ पोल जिस साइड डिफ्लेक्ट होगा, जिस साइड भागेगा, उस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बात याद रखना। अगर किसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, कंपास का नॉर्थ पोल, ऐसे है ना, कंपास है यहाँ पे, एक ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो कंपास का नॉर्थ पोल हम उसके पास रख देंगे। जिस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जिस तरफ ये मुड़ेगा भागेगा, उस तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। अब मान लो हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा, नॉर्थ पोल क्या होगा, रिपेल। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से इस, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, रिपेल होगा तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रखूँगा एक नॉर्थ पोल तो ये तो रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से। यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दिया, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ पोल रख दिया, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं ना, तो कोई नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल, इसको दूर भगाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे रखोगे इसको रिपेल करने की सोचेगा, पर साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की, तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो इस तरीके से अट्रैक्ट। सेम हमने क्या किया, यहाँ पे भी रखा इसकी, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये डायरेक्शन इस तरीके से। तो अगर हम इसकी कर्व लाइन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, अगर हम इसकी कम्प्लीटली कर्व लाइन बनाएं, एक ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, देखो ये जो एरो है हम क्या करेंगे, इस तरीके से, ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, ये डायरेक्शन है आपकी, और यहाँ पे नॉर्थ से साउथ। अभी मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है किस साइड जा रही है, वहाँ पे हमें क्या रखना है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख देना है। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। अब इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था तो ये डायरेक्शन है। तो एक बार मैग्नेट के बाहर, अगर आपसे कोई पूछे बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर करेंगी, और मैग्नेट के अंदर कैसे जाएंगी फिर, इस तरीके से, ठीक है, फिर नेक्स्ट ये निकलगी, मतलब ये क्या बनाएंगी आपकी, क्लोज कर्व, ठीक है ना, क्लोज कर्व बनाती हैं। क्लोज कर्व का मतलब यहाँ से निकली और इस तरीके से, ठीक है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, क्लोज कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, याद रखना। एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या हो जाएंगी, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमने डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजनरी कर्व, ठीक है, इमेजनरी कर्व होती है, कर्व है, ठीक है ना, इमेजनरी कर्व। ये हमें कोई मैग्नेट के बाहर दिखेंगे नहीं, ये हमने इमेजन की हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो इफेक्ट है यहाँ तक है, यहाँ पे कोई आयरन रख दोगे ना तो अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ये फील्ड है, ठीक है ना, ये हमने क्या बनाई है, इसकी फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई रखी होगी चीज़ उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजनरी कर्व होती है, सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी कर्व होती है, सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट मतलब टेंजेंट कैसे लिखते हैं, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो और उस पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें नॉर्थ पोल रखना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल की उदा मेन बात याद क्या रखनी है, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है, जिस साइड डिफ्लेक्ट होगा नॉर्थ पोल, उसी साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इतना उतार सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ये इमेजनरी लाइन होती है, हमें कोई दिखाई नहीं देते, हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे इस तरीके से ही बनाऊंगा मैं। इसका मतलब क्या है, इसमें से और निकल देंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखूंगा, नॉर्थ से निकलती है ना तो बाहर की तरफ मैंने लगा दी इस तरीके से। इसमें क्या है, एंटर कर रही है तो मैंने अंदर की तरफ एरो लगा दिया, ठीक है। बहुत बार CBSE में क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके बताओ एक बार मैग्नेट के चारों तरफ, तो आपको क्या है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। और डायग्राम में मेन ये भी है कि आपको ये एरो भी लगानी है, ठीक है, यही मेन है, मेन तभी पता चलेगा ना कि मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से अराइज होती हैं, एंटर करती हैं साउथ में, और बार मैग्नेट के अंदर कैसी होती है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी हैं इसकी खासियत है। तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड एंटर इनटू साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, इनसाइड बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, बाहर क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक
फील्ड लाइन। फोर क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व बनाती है, मतलब ऐसे निकलेंगी जैसे नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ में, फिर इस तरीके से ये क्या है क्लोज कर्व, ऐसे नहीं यहाँ से निकली और यहाँ पे रुक गई, यहाँ से निकली यहाँ पे रुक गई, ये क्लोज कर्व नहीं है। क्लोज कर्व क्या है, जहाँ से चलेगी वापस वहीं पे आ जाए घूम फिर की, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्लोज कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज कर्व। फोर्थ क्या है कि नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज, क्यों नहीं कर सकती, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो देयर विल बी टू टेंजेंट। जैसे कि अगर दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट क्या हो गया ये हो गया, डायरेक्शन क्या होगी इसकी दो। पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, सॉरी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कर्व, इमेजिनरी कर्व होती हैं, और एक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट एक टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे तो टेंजेंट दो हैं, एक डायरेक्शन दो हो जाएंगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है ना, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज। तो रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज इफ टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट देयर विल बी टू टेंजेंट एंड टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या है, सिर्फ नॉर्थ से साउथ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक प्रॉपर्टी और रह गई, पहले चार प्रॉपर्टी हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती है, और मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज करो बनाती हैं। फोर्थ क्या है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप मिलेगा। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उसके दो टेंजेंट होंगे, और दो टेंजेंट होंगे तो दो डायरेक्शन होंगे, जिसके कारण वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल तो क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब ये जो यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ क्लोजनेस जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो फील्ड लाइन की जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वो हमें क्या देगी, पावर ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी हमें। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखना है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन गिव द पावर ऑफ अट्रैक्शन। अगर हमारे पास क्लोजनेस ज़्यादा है, पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। अगर दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन कम। सबसे पहले हमने यही स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था ना कि एंड्स पे, पोल्स पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड लाइन की जो क्लोजनेस है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वो ज़्यादा होती है, फील्ड लाइन वहाँ पे पास ज़्यादा होती हैं, इसलिए क्या है, पावर ऑफ अट्रैक्शन पोल्स पे ज़्यादा है। यहाँ पे देखो गैप है, इनके बीच में कितना गैप है, यहाँ पे गैप कम है, ठीक है ना, इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे गैप देखो ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे गैप आपको कम मिलेगा, मतलब ये पास है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पास मिलेंगी वो क्या है, वहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेंगी, और जहाँ पे दूर होंगी वहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन आपको कम मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड बीच में रह गया था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला,
ठीक है, टेस्ला, एस आई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। पहले हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइन इमेजिनरी होती है, हमें दिखती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, करों में, करों में। अब ये क्या बताएंगे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इसका इफेक्ट कहाँ तक है, यहाँ ये इसकी क्या है, ये इसकी फील्ड है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ का एरिया जहाँ पे इसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्नो रोड, ठीक है, स्नो रोड। अब हमने देखा कि अभी तक तो हमने क्या मिला, अभी तक हमें एक स्टोन मिला था जो आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट करता है। फिर एक साइंटिस्ट है हेनरी ओरेस्टिड, उसने क्या देखा कि जब एक वायर में से हम करंट पास करते हैं तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें जब उसने एक वायर में से करंट पास किया तो वो किसकी तरह काम करने लग गया, मैग्नेट की तरह। तो उसको हम रूल देते हैं स्नो रूल्स, स्नो रूल। स्नो रूल क्या है, एक साइंटिस्ट हेनरी, हेनरी ओरेस्टिड, हेनरी ओरेस्टिड ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब एक स्ट्रेट वायर में से, जब एक हम स्ट्रेट वायर में से करंट पास करते हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्शन क्या है, करंट, करंट की डायरेक्शन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है, ये आपके पास एक वायर है तो ये भी किसकी तरह काम करने लगा, मैग्नेट की तरह, ठीक है ना। वो कैसे देखा मैग्नेट की तरह कैसे काम कर रहा है, उस वायर के नीचे उसने, वायर के नीचे उसने क्या रख दिया, एक नॉर्थ या साउथ, एक कंपास रख दिया, यहाँ पे क्या होगा ईस्ट वेस्ट, कंपास रख दिया, मतलब ये कंपास है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है। और उसने करंट कैसे पास किया, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो उसने क्या देखा, ये जो कंपास की नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो गई वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, इस वायर को हमने जोड़ रखा है बैटरी से, यहाँ पे इस वायर को हमने बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। अभी इसके नीचे हमने कंपास रखा है, मतलब कंपास के ऊपर एक वायर रखा हुआ है, ऐसे कह लो चाहे। अब इसमें जो है ना, यहाँ से करंट जाएगा तो जो कंपास का जो साउथ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो गया किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। मैंने वो तब बता दिया, डायरेक्शन थी साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, सॉरी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब एक वायर को साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट पास किया गया तो उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो गया था वेस्ट की तरफ। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक वायर में से करंट पास कर देंगे तो उसमें भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैग्नेटिक कंपास, कंपास की नीडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी ना जब उसके पास कोई दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे। तो ये क्या है, स्नो रूल्स। स्नो रूल्स क्या बताता है कि जब किसी वायर में से, जब किसी वायर में से साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट पास किया जाता है तो उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, देखो जो वायर है आपका, ये इसका मतलब क्या है, ओवर वायर है, कंपास के ऊपर रखा है और ऊपर है। पहली कंडीशन में क्या है कि वायर आपका कंपास के ऊपर रखा है और करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल, कंपास का नॉर्थ पोल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। एक हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी वाले में पढ़ा था कि स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मतलब ठहरा हुआ, स्टैटिक चार्ज हमेशा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक चार्ज हमेशा हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग चार्ज, जब यही चार्ज मूव करने लग जाता है तो ये हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें देगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में ठहरा हुआ है तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और जब चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करने लग जाता है तो वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि वो मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है।
अगर किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है ना, तो वो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ये किसने डिस्कवर किया, हेनरी ओयरस्टेड ने, ठीक है। स्नो रूल क्या है, जब एक वायर में साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में कंपास के ऊपर रख दिया, कंपास के अकॉर्डिंग हमने वायर के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट पास कर दिया, तो कंपास का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नो रूल। ये लिखा हुआ है एस से साउथ, साउथ से नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ जब आप करंट पास करेंगे, कब, वो वायर ओवर ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर रखा है, तो नॉर्थ पोल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। अब वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अब एक वायर के अंदर मैंने नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट पास किया और वो वायर कंपास के ऊपर रखा, ओवर ऊपर रखा है, ठीक है, तो इसका नॉर्थ पोल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ, ठीक है, एन एस ओ। अगर मान लो इसमें से देखो दो फैक्टर हैं, एक साउथ से नॉर्थ के करंट, एक ओवर, ये दो फैक्टर हैं, इन दो में से अगर मैं एक फैक्टर चेंज करूँगा तो वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, ईस्ट। अगर दोनों फैक्टर में चेंज कर दूंगा, जैसे मैंने साउथ से नॉर्थ ये भी चेंज कर दिया, नॉर्थ से साउथ, दूसरा फैक्टर क्या है, ओवर, इसकी जगह मैंने लिख दिया बिलो, तो क्या रहेगा, वेस्ट वाला आपका सेम रहेगा। अगर दोनों में से एक चेंज किया है तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा फैक्टर, वेस्ट की जगह ईस्ट और ईस्ट की जगह वेस्ट। अगर दोनों चेंज कर दिए तो वही रहेगा, वेस्ट ही रहेगा आपका, तो इसको क्या बोलते हैं, स्नो रूल। स्नो रूल्स क्या है, जब किसी वायर में से साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट पास करते हैं तो वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया, हेनरी ओयरस्टेड ने। उसके बाद हैं हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये उतार लीजिएगा, ठीक है। स्नो रूल्स याद रखना, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो किया और वो वायर ऊपर रखा हुआ है कंपास के, तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो नॉर्थ से साउथ रूल क्या है, स्नो, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। अब आपने फैक्टर तो एक चेंज किया, नॉर्थ से साउथ चेंज किया है, ये तो सेम है, ठीक है, तो वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, ईस्ट। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक वायर कंपास के ऊपर रखा है ओवर, या कंपास के बिलो रखा है, ऐसे एक वायर कंपास के, जैसे कि क्या है, अब ये कंपास है, इसके नीचे मैंने वायर रखा हुआ है, तो कंपास की जगह, कंपास के नीचे रखा है बिलो, और करंट कहाँ पास हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब देखो इसमें मैंने साउथ से नॉर्थ चेंज कर दिया, नॉर्थ से साउथ पहला फैक्टर चेंज कर दिया, ओवर है इसको भी मैंने चेंज कर दिया दूसरा फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, यही सेम हो जाएगा, वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर आपका ओवर, इन में से अगर एक चेंज होता है तो वेस्ट की जगह ईस्ट, ठीक है, अगर दोनों चेंज होते हैं तो वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं स्नो रूल से, यही है छोटा सा रूल याद रखना कि साउथ से नॉर्थ जाएगा तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा तो ईस्ट की तरफ, एक फैक्टर चेंज करोगे तो वेस्ट की जगह ईस्ट आ जाएगा, दोनों फैक्टर चेंज करोगे तो वेस्ट ही रहेगा। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में एंटर करते हैं, और बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हम एक वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ से हमने नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमें ये तो पता है ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, अगर वही चार्ज मोशन में है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब चार्ज मोशन में है तो वो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, वो हम एक रूल लगाएंगे, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ठीक है। तो अगर हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो किस रूल से देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में क्या है, ये जो थंब है ये हमें डायरेक्शन क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट की। मतलब इस थंब को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में फिक्स करना है। और जो फिंगर है वो क्या होंगी, जिस तरफ कर्व होंगी उस वो क्या देंगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर, अगर एक सीधा कंडक्टर है आपके पास उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि राइट हैंड थंब, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, ये अंगूठा तो क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन। और जिस तरफ उंगलियां आपकी घूमेंगी वो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो डायरेक्शन हमें किसकी देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की। करंट की डायरेक्शन आपको गिवन मिलेगी कि करंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। और वो डायरेक्शन कौन देगा, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है राइट हैंड थंब रूल। कैसी होगी डायरेक्शन, अब हमें वो देखनी है। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट है, अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अंगूठे को हम ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। अब उंगलियां क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, जिस तरफ आपकी ये फिंगर्स कर्व होंगी, घूमेंगी, उस वो क्या डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, एक इस तरीके से होगी, देखो ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे घूम रही है, डायरेक्शन ये ऐसे आएंगी ना, तो डायरेक्शन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कब, व्हेन करंट पास फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। आपसे दो नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, in which thumb represent the direction of electric current, and curve finger give the direction of magnetic field, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, राइट हैंड थंब रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। कब देता है, जब हमें इलेक्ट्रिक करंट पता हो, जब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट नीचे आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पास करने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट आपका बॉटम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा अगर आप इसकी बताओ, जब कोई करंट आपका टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है, हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को सेट करना है, नीचे की तरफ करंट आ रहा है तो हमने अंगूठा नीचे की तरफ कर लिया। अब जिस तरफ उंगलियां घूमेंगी उस तरफ क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ये अंगूठा हमने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, ये उंगलियां ऐसे घूम रही है,
तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये वाली, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज कब होगी, जब आपका करंट, व्हेन करंट पास इन कंडक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे आएगा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। एक नंबर में बहुत बार पूछते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में सेट करना है और जिस तरफ उंगलियां घूमेंगी वो हमें क्या देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट कंडक्टर, कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में हम करंट पास करेंगे तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट कंडक्टर में देखनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल। अब इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए, उसको ये देखने के लिए कि क्या ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्या ये डायरेक्शन सही आती है, क्या ये राइट हैंड थंब रूल सही है, उसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर एक कार्डबोर्ड में से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर को, कार्डबोर्ड में से एक स्ट्रेट वायर को हमने पास कराया और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आता है, ठीक है, और नेगेटिव की तरफ जाता है, डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। और यहाँ पे हमने क्या है, बहुत सारे नॉर्थ पोल रख दिए, एक पोल यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, बहुत सारे इसके चारों तरफ हमने नॉर्थ पोल रख दिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखनी है तो उसके पास हम क्या रख देंगे, नॉर्थ पोल रख देंगे, ये क्या है आपके नॉर्थ पोल रख देंगे। अब नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में भागेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कार्डबोर्ड, इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया मैंने, ठीक है ना, इसमें के अंदर से एक वायर पास किया, इसके चारों तरफ मैंने कंपास रख दिए, उनके नॉर्थ पोल रख दिए। अब थोड़ी देर बाद जब जैसे ही हमने करंट ऑन किया तो इन सभी के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से डायरेक्शन थी वो क्या होगी, सभी की क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है कि हमने एक कार्डबोर्ड में से एक करंट, एक वायर हमने ऐसे पास करा रखा है, इसके चारों तरफ हमने कंपास रखे हुए हैं, थोड़ी देर बाद जब करंट ऑन करेंगे तो देखेंगे कि सभी नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से है, क्लॉकवाइज, ठीक है, जब करंट आपका ऊपर से नीचे आता है। और जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको उतार लो आप वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर कोयल, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर कोयल। हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम करंट पास करेंगे तो वो किसकी तरह काम करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरह। अब सर्कुलर कोयल आपके पास, ठीक है ना, एक वायर को हमने सर्कल में बेंट कर रखा है, उसमें से अगर हम करंट पास करेंगे तो क्या वो भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कोयल, ठीक है, सर्कुलर कोयल। वायर को हमने क्या किया, सर्कल में बेंट कर दिया, इस तरीके से एक वायर को हमने बेंट किया सर्कल में और इसको हमने नीचे से कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, करंट जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या होगी करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो हमने देखा ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कि हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह। तो ये भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर सर्कुलर कोयल के अंदर जब हम करंट पास करेंगे तो वो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह। अब मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेट में अब दो पोल होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन से होंगे,
मतलब एक रिंग है, ठीक है ना, इसके नॉर्थ पोल, इस रिंग का नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा। तो जिस रिंग में, रिंग में अगर जिस साइड से डायरेक्शन हमें, जिस साइड से डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज दिखती है, जिस साइड से डायरेक्शन हमें क्या दिखेगी, क्लॉकवाइज, वो किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह। और जिस साइड से हमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, वो किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। अब देखो एक रिंग है, अब इस रिंग को मेरी तरफ से तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और आपकी तरफ से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये पेन जो है ना, मेरी तरफ से तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और आपको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब ये रिंग है, इस रिंग के अगर करंट इस तरीके से जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमेगा करंट इस तरीके से, तो आपको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला पोर्शन किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, और ये वाला पोर्शन किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह। तो जिस साइड से हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, वो किसकी तरह काम करेगा, वो साइड किसकी तरह काम करेगी, नॉर्थ पोल की तरह। और जिस साइड से हमें करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, वो काम करेगी साउथ पोल की तरह। तो सर्कुलर कोयल एक अच्छी मैग्नेट, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से अच्छी मैग्नेट बन सकती है सर्कुलर कोयल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कोयल में क्या है कि जब हम किसी सर्कुलर कोयल में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगी, ठीक है। उसके भी दो पोल होंगे रिंग, अब रिंग में जिस साइड से, इस साइड से हमें डायरेक्शन कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है, साउथ पोल की तरह काम करेगा। इसके पीछे किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कोयल। आपको मेन चीज़ें ये याद रखनी है कि जिस साइड से हमें डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी, वो पोल साउथ पोल, और जिस साइड से हमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, वो किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड। वैसे एक क्वेश्चन है आपसे कि मान लो अगर करंट की डायरेक्शन, क्वेश्चन है कि अगर एक रिंग में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। करंट की डायरेक्शन मैंने दे रखी है क्लॉकवाइज, क्वेश्चन है, सॉरी आंसर ऑप्शन है इनटू द पेज या फिर आउट ऑफ द पेज, ठीक है, पेज के अंदर होगी या फिर पेज के बाहर। देखो हमें जब भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या करनी है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो और हमें करंट दे रखा हो, करंट की डायरेक्शन हमें दे रखी हो, तो कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल में थंब कहाँ सेट करना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और जहाँ उंगलियाँ आपकी कर्व होंगी वो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे सेट करेंगे, अब उंगलियाँ अंदर की तरफ जा रही हैं तो क्या आंसर आएगा, इनटू द पेज, पेज के अंदर, ठीक है। एक तो आप ये रूल, इस रूल से याद रख सकते हो। दूसरा होता है आपका स्क्रू रूल क्या होता है, अगर मान लो आप किसी नट को आप टाइट करते हो, टाइट करोगे तो क्या होगा, वो अंदर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ। अगर आप किसी को नट को खोलना चाहते हो तो क्या है, वो बाहर की तरफ आएगा। तो अगर आप किसी करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दे रखी है, तो वापस स्क्रू रखो और स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओ, और क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो स्क्रू क्या आता है, नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। अगर डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगा दी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी, यहाँ पे स्क्रू रखेंगे, ठीक है, और जब नट को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो खुलता है, ऊपर की तरफ आता है,
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द पेज। स्क्रू रूल लगा सकते हो या फिर आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। इसमें राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, डायरेक्शन सेट करनी है। देखो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, करंट की, और अब क्या है, उंगलियाँ बाहर की तरफ आएंगी यहाँ से, तो क्या है, आउट ऑफ द पेज। क्लॉकवाइज होगी तो इनटू द पेज, बाहर आएगी तो आउट ऑफ द पेज। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। तो अभी तक हमने पढ़ा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर और सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल भी मैग्नेट की तरह काम करेगी जब उसमें करंट पास करेंगे। एक पोल उसका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, सॉरी एक साइड, दूसरी साइड किसकी तरह काम करेगी, साउथ पोल की तरह। नॉर्थ पोल की तरह कौन सा काम करेगा, जिस साइड से हमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, और साउथ पोल की तरह कौन सा काम करेगा, जिस साइड से हमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी। ये याद रखना, देखो ऐसे जब ये कोई सर्कल बना लिया, साउथ साउथ पोल का ऐसे इस तरीके से होता है, तो इसके जो एंड्स हैं वो एक तो इस तरीके से हो गया, एक नीचे, तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। अब ये सिरा एक इस तरीके से, एक आपका ये, तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। एक सर्कुलर कोयल है तो उसका क्या है, ये वाली साइड अगर करंट ऐसे जा रहा है, साउथ, ये साउथ पोल, पीछे वाली नॉर्थ पोल, क्योंकि मेरे को तो क्या है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ, ठीक है ना। तो मेरी साइड से ये वाली साइड क्या हो जाएगी, साउथ पोल, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड, सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या चीज़ होती है, सोलेनोइड। तो पहले पढ़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट वायर करंट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर कोयल, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है, जब एक वायर को, एक सीधे वायर को हम नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल में बेंट कर दें, नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल में कैसे, जैसे हमारा स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, इस तरीके से जब हम इसको बेंड कर देंगे, इसको घुमा देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, रिजल्टिंग डिवाइस क्या बन जाएगी आपकी, सोलेनोइड। एक सीधा वायर लिया मैंने और सीधे वायर को क्या है, स्प्रिंग की तरह घुमा दिया, उसको क्या बोलेंगे, इस रिजल्टिंग, ये जो डिवाइस बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड क्या होती है, व्हेन ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज बेंट, बेंट मोड़ दिया जाता है इनटू ए नंबर ऑफ कोयल्स, इनटू ए नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल, द रिजल्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो जो डिवाइस बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। डेफिनेशन क्या लिखनी है, व्हेन ए स्ट्रेट, व्हेन ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग, करंट कंडक्टिंग वायर इज बेंट, बेंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल, नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल, नंबर ऑफ सर्कुलर, देखो ये सर्कुलर कोयल, ये बहुत सारी, एक कोयल ये है आपकी, दूसरी ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इसमें कोयल कितनी बनाई है मैंने, सर्कुलर कोयल, एट्थ। तो एक सीधे वायर को नंबर ऑफ कोयल्स में ऐसे बेंट कर देंगे तो रिजल्टिंग डिवाइस क्या बनेगी आपकी, सोलेनोइड। व्हेन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज बेंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल, रिजल्टिंग डिवाइस, रिजल्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड सोलेनोइड, सोलेनोइड, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सोलेनोइड को हम बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या ये भी आपका मैग्नेट की तरह काम करेगा, ओब्वियसली मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक करंट, ये भी क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें करंट भी, मतलब चार्ज आपका फॉलो करेगा, और जब चार्ज फॉलो करने लग जाता है तो वो किसकी तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो सबसे, अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक तो है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के
के अंदर जब करंट पास करेंगे मैग्नेट की तरह काम करेगा। सर्कुलर कोयल, सर्कुलर कोयल के अंदर जब करंट पास करेंगे मैग्नेट की तरह काम करेगा। सोलेनोइड के अंदर करंट पास करेंगे वो भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा ही मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? सबसे अच्छी मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? सोलेनोइड। सबसे अच्छी मैग्नेटिक फील्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन तीनों में से कौन बनाएगा? सोलेनोइड बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इस सोलेनोइड की जो मैग्नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखो रिजल्टिंग टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ कोयल्स की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, ठीक है ना। मान लो आपके पास एक वायर है 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर का आपके पास एक वायर है। आपने इस 5 मीटर एक वायर से आपने क्या बना दिया? एक तो कोयल बना दी पहली, ठीक है, और इसी से मैंने बना दी सोलेनोइड। अब एक तो एक कोयल की मैग्नेटिक फील्ड और एक नंबर ऑफ कोयल्स की मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगी तो इसकी टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी सोलेनोइड की वो हमें ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे अच्छा मैग्नेट की तरह काम कौन करेगा? स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कोयल और सोलेनोइड में सोलेनोइड, क्योंकि इसकी जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें किससे मिलती है? ऐड होके मिलती है नंबर ऑफ कोयल से, ठीक है। तो इसमें मैं सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा? रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जब भी मैं बी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल, टोटल सर्कुलर कोयल, जितनी भी सर्कुलर कोयल हैं उनकी हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड होके मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है ये मैग्नेट की तरह काम करेगा तो इसका नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो, हमने अभी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जिस डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज दिखेगी वो किसकी तरह काम करेगा? साउथ पोल की तरह, और जिस तरफ से हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी करंट की वो किसकी तरह काम करेगा? नॉर्थ पोल की तरह। करंट यहाँ पॉजिटिव से जाएगा तो यहाँ पे करंट इस तरीके से ऊपर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन, ये जो एरो बनाई है ये मैंने क्या है? करंट की डायरेक्शन बनाई है, ठीक है ना। अब आप खुद वीडियो को पॉज करके देखो कि इसमें साउथ पोल कौन सा होगा और नॉर्थ पोल कौन सा होगा। देखो भाई, यहाँ से करंट जाएगा तो ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज, तो जहाँ से हमें, जब ये हम यहाँ पे सोलेनोइड रखेंगे तो ये वाला क्या दिखेगा हमें? साउथ पोल की तरह, ठीक है। ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह। दूसरे वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? दूसरे वाला बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हमें क्या बनानी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। दो नंबर में आता है, या तो बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ या सोलेनोइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, और साउथ में एंटर कर जाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? एक क्लोज कर्व भी बनाती है। नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर करी और इस तरीके से फिर यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से नीचे आएगा। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ में एंटर कर जाएंगी। उसके बाद क्या है? फिर से नॉर्थ में निकलेंगी, साउथ में एंटर कर जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लाइन बनाते हैं एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है कि और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी निकल रही हैं। तो बाहर जो डायरेक्शन वो बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये पोल होगा साउथ और ये आपका पोल हो जाएगा नॉर्थ पोल। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? ये नॉर्थ है, साउथ है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरीके से। अब अंदर क्या होगा सोलेनोइड में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि बार मैग्नेट के बाहर तो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसे होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन एरो किस तरीके से लगाऊंगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है
तो सोलेनोइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है एज कंपेयर टू स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर कोयल। क्यों बनती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोयल्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और अंतर क्या हो जाएगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की, ठीक है, हाउ वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड। क्वेश्चन है हाउ वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। तो पहला तरीका है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का, करंट बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट क्या है? बाय इंक्रीज करंट, ठीक है, करंट, यहाँ पे क्या लिखूँगा? करंट बढ़ा दो, सबसे पहला तरीका, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है बाय इंक्रीज नंबर ऑफ कोयल्स, बाय इंक्रीज नंबर ऑफ कोयल्स बढ़ा दो। ये क्या करेंगे हम, इसकी नंबर ऑफ कोयल्स, एक तो नंबर ऑफ कोयल्स 5 हैं, फिर उसी वायर को हमने 10 कोयल बना दी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी 5 के कंपैरिजन में। तो पहला तरीका क्या करेंगे, करंट को बढ़ा दो। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कोयल्स को बढ़ा दो। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू नोट एन आई क्या होता है? कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोयल्स, नंबर ऑफ कोयल बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। दूसरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। दोनों को मिलाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नोट एन आई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी लेंगे जो हमने यहाँ पे म्यू नोट ली, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोयल्स बढ़ा दो सोलेनोइड की, करंट इंक्रीज कर दो, ठीक है, दो तरीके, या फिर इन कोयल्स के बीच की डिस्टेंस कम कर दो। मतलब ये जो कोयल्स क्या है, हमें टाइट टाइट बनानी है, जैसे स्प्रिंग है आपके पास, पैन में जो स्प्रिंग मिलता है उसके अंदर जो है ना गैप जो कम मिलेगा, सर्कुलर कोयल के बीच में गैप कम मिलेगा, उसको खींच दो। अब इन कोयल्स के बीच में क्या हो गया? गैप ज़्यादा हो गया। पहले वाला क्या था? उनके बीच में गैप कम था, तो जब गैप कम था तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब हमने उसको क्या किया? खींच दिया, गैप बढ़ा दिया। जब गैप बढ़ जाएगा इन कोयल्स के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, ठीक है। जितना टाइट, जितना कंजस्टेड आप सर्कुलर कोयल बनाओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सोलेनोइड में क्या है, सबसे पहले सोलेनोइड क्या होती है, एक सीधे वायर को नंबर ऑफ सर्कुलर कोयल्स में बेंट कर दो, उसको हम सोलेनोइड बोलेंगे। और जब इसमें से करंट पास करेंगे, तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा स्ट्रेट वायर और सर्कुलर कोयल के कंपैरिजन में। क्यों देगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कोयल्स ज़्यादा है, तो इसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इन सभी नंबर ऑफ कोयल्स की ऐड होके मिलेगी हमें, ठीक है ना, सभी नंबर ऑफ कोयल्स की ऐड होके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पूरे सोलेनोइड की आएगी, ठीक है। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको नॉर्थ से इस तरीके से और साउथ में एंटर करनी है। अंदर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ से नॉर्थ। अगर आपको ये देखना है कि सोलेनोइड का कौन सा पोल, कौन सा एरिया स्पेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा या साउथ पोल की तरह, तो जिस तरफ से हमें डायरेक्शन जिस तरफ से हमें क्लॉकवाइज देखेगी तो वो तो क्या है, साउथ पोल। और जिस तरफ से डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज देखेगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। करंट कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सोलेनोइड में? बाय इंक्रीजिंग करंट। सेकंड कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोयल्स। थर्ड एक और तरीका है इंक्रीज करने का, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। एक और तरीका है बाय पुटिंग सॉफ्ट आयरन कोर,
बाय पुटिंग सॉफ्ट आयरन कोर, दो होती हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, एक हार्ड आयरन कोर होती है। हम ज़्यादातर यूज जो हमारे घरों में यूज करते हैं ना, वो हार्ड आयरन कोर यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर अलग है। ठीक है, तो दो तरीके, पहले तो करंट बढ़ा दो सोलेनोइड में, सोलेनोइड बना लेते हैं पहले इस तरीके से, जब सीधे वायर को नंबर ऑफ कोयल्स में बैंड कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, सोलेनोइड। इसको हमने बैटरी से लगा दिया, ठीक है। ये पोल किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह, ये नॉर्थ पोल की तरह। पहला तो क्या था, करंट बढ़ा दो मतलब बैटरी बढ़ा दो, दूसरा क्या था, नंबर ऑफ कोयल्स बढ़ा दो। अगर आपसे पूछ ले कि एक सोलेनोइड में पांच सर्कुलर कोयल है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, और एक में सर्कुलर कोयल है आपकी 9, ठीक है, एक में है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और है 9, किस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होगी, तो इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रोंग मिलेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोयल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ कोयल्स ज़्यादा हो जाएंगी तो इन सभी की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, ऐड होगी तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड तरीका क्या है कि इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे कि ये सोलेनोइड है, इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके अंदर हम ऐसे ऐसे रख देंगे, ठीक है ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये सोलेनोइड, इसके अंदर हमने क्या किया, इस तरीके से रख दिया, तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड हमें किसकी मिल रही थी, सोलेनोइड की, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण मिलेगी, सॉफ्ट आयरन कोर के कारण, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर भी किसकी तरह काम करने लग जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, क्यों लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड तरीका हमारे पास क्या है, बाई पुटिंग सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इन सोलेनोइड, सॉफ्ट आयरन कोर सोलेनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो भी बढ़ जाएगी। और जब किसी सोलेनोइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड, जब करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या लिखूंगा, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन करंट कैरिंग सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनेगी, जब एक सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं, और सोलेनोइड कैसे उनसे करंट कैरी, मतलब करंट पास होना चाहिए उसमें से, और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो सोलेनोइड, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने एक कोयल्स ने व्रैप कर दी, एक वायर को व्रैप कर दिया और उस वायर को हमने बैटरी से जोड़ दिया, वो भी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होती है, ये क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। जो बार मैग्नेट है आपके पास, या हॉर्स शू मैग्नेट है, स्पीकर में जो मैग्नेट यूज करते हैं, वो होती है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी हमेशा परमानेंट रहेगी, हमेशा अट्रैक्ट करेगी, हमेशा रिटर्न करेगी, परमानेंट मैग्नेट। ये टेम्परेरी है, मतलब जब तक इसमें करंट पास हो रहा है तब तक तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगी, और जैसे ही करंट इसमें, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच, जैसे ही हमने स्विच ओपन कर दिया, जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होना बंद हो गया, ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग करंट, एक करंट को इंक्रीज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर बढ़ा सकते हैं। इसलिए इनका यूज हम क्या करते हैं, बड़ी क्रेन्स में जो हैवी लोड्स, हैवी आयंस की चीजें उठाती हैं, इलेक्ट्रिक बेल भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है, इसकी पावर हम इजिली, इट्स पावर कैन बी इजिली इंक्रीज और डिक्रीज, आसानी से इसकी हम इंक्रीज और
डिक्रीज कर सकते हैं इसकी पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अच्छा सॉफ्ट आयरन कोई इसमें रखते हैं, वी पुट वी टेक सॉफ्ट आयरन ओवर बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाती है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाती है। वी टेक सॉफ्ट आयरन कोर बिकॉज बिकॉज इट इजीली मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज एंड इजीली डीमैग्नेटाइज इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगी और इजीली डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज होने का मतलब आसानी से तो इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी, आसानी से इसमें से इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। जैसे कि हमने करंट ऑन किया एकदम से मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी मतलब मैग्नेटाइज होगी। जैसे ही करंट ऑफ किया मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी इसमें से चली जाएगी, डीमैग्नेटाइज होगी। अगर सॉफ्ट आयरन की कोर की जगह हम हार्ड आयरन कोर रख देते हैं, सॉफ्ट की जगह हार्ड आयरन कोर रख देंगे ना तो उसको डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा, डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा, जिसके कारण उसको हम यूज कर जहाँ यूज करते हैं वहाँ पे यूज नहीं हो पाएगी, जैसे क्रेन में यूज नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिक बेल में यूज नहीं हो पाएगी, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी खासियत है कि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाती है और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाती है। जैसे ही करंट जाएगा मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी, जैसे ही करंट बंद हो गया डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। अगर हार्ड आयरन कोर रखी तो उसको डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे पहले हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब, ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड में हमने क्या पढ़ा कि सोलेनोइड के अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो एक बैटर मैग्नेट हमें मिलती है सर्कुलर कोयल और स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में। उसकी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कोयल्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, ठीक है, या फिर सर्कुलर कोयल के बीच की डिस्टेंस है उसको कम कर दो तो भी बढ़ जाएगी। एक और तरीका है सॉफ्ट आयरन कोर कर दो सोलेनोइड के अंदर तो भी बढ़ जाएगी। और सॉफ्ट आयरन कोर जब सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टेम्परिंग मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक करंट है तब तक काम करेगी, जैसे ही करंट बंद हुआ वो टेम्परिंग अब क्या है अब काम नहीं करेगी, इसे टेम्परेट परमानेंट बार मैग्नेट आती है परमानेंट है। और दूसरी मैग्नेट है जो नेचुरल मैग्नेट जो होती है स्टोन से जो हमें मिलती है वो क्या है सारी परमानेंट मैग्नेट है। नेक्स्ट आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इससे पहले हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसकी डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके डायरेक्शन देगा फोर्स, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमें डायरेक्शन किसके देगा फोर्स। इससे पहले राइट हैंड थंब रूल था, थंब रूल में क्या था कि आपको करंट की डायरेक्शन देंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, कैसे अगर करंट ऊपर जा रहा है तो उसे ऊपर रखा, ठीक है, अब जैसे उंगलियां घूम रही है वो क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से उंगलियों का जब घुमाओगे कैसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपको राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगाएंगे जब हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है कि किसी कंडक्टर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर आपको दो चीजें गिवन होंगी, गिवन क्या होंगी आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाएगी, दूसरी क्या है करंट की डायरेक्शन दी जाएगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है कि आपको थंब फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये जो थंब है ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी करंट। याद करने का तरीका कैसे है,
देखो सबसे ऊपर हमारे घर में सबसे ऊपर क्या होता है, फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड, ठीक है ना। तो फादर का पहला वर्ड अफ क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन। दूसरा मदर, मदर का पहला एम वर्ड तो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर चाइल्ड सी ये क्या देगा, डायरेक्शन करंट, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। अगर आपसे क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताओ तो क्या होगा, स्ट्रेच योर फिंगर, स्ट्रेच योर फिंगर, अपनी फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करो सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपनी फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थंब हमें क्या डायरेक्शन देगा, फोर्स, फिर फोर्स मतलब फादर मदर। फर्स्ट फिंगर क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। लगाना कैसे है, जैसे कि मैं कहूँ आपको कि एक मेरे पास जो है ना मैग्नेट ले रखी है नॉर्थ, वो एक इसका पोल रखा है, दो मैग्नेट का है, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर कोइल रखी, रेक्टेंगुलर कोइल रखी, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ, हमें पता ना बाहर की, बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दे रखी है इसमें ऊपर की तरफ, इसने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। ये पता लगाना है कि ये आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ऊपर की तरफ आएगी या नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो कैसे करना है, देखो अपनी फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब सेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देगी, फर्स्ट फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या देती है, मिडल फिंगर, तो ऊपर की तरफ होगी। अब अंगूठा कहाँ है मेरा, अंदर की तरफ। ये सर्कुलर कॉइल कैसे जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। इस पे फोर्स कैसे लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर, और अंगूठा कहा था तो मेरा अंदर की तरफ, ये वाली साइड कहा जाएगी, अंदर की तरफ लगेगी, ठीक है। जिसका यूज हम आप करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको यही याद रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स की डायरेक्शन देता है, आपको दो चीजें ही मिलेंगी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक आपको करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन आपको बतानी है, ठीक है ना। फाइव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर ऐसे लिखा है तो आपको कौन सा रूल यूज करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर ये लिखा है कि फाइव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें यूज होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।